हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मैं अंकेश पांडे, मैम सिमरन मैम, और मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड यानी जीवीए मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है जीवीए मेथड और क्या है जीडीपी मेथड, इन दोनों ही के बारे में आपका सारा कंफ्यूजन आज हम लोग मिलकर दूर करेंगे। मैम, आप थोड़ा सा बच्चों को पहले ये बता दीजिए कि जीडीपी मेथड क्या है, फिर जीवीए मेथड क्या है। हम दोनों इन सभी बच्चों का सभी प्रकार का कंफ्यूजन आज दूर कर दें कि भाई जीडीपी और जीवीए मेथड में डिफरेंस क्या है। मैम, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिमरन इकोनॉमिक्स से। आपको आज जानने के लिए मिलेगा कि जीडीपी मार्केट प्राइस की अपन कब बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जैसे ही आप जीडीपी वर्ड को सिर्फ सुनते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, ये ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस पे चीजों को डिटरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। और जीडीपी की जब बात करेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हो, ये पूरे के पूरे देश का खर्चा बताती है। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था में कितना खर्चा हुआ है। और मेजोरिटी ऑफ इकोनॉमीज मतलब यहाँ पे अर्थव्यवस्थाएं जहां पे सबसे ज्यादा मेथड जो यूज करती है वो यही मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब अपन लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब अपन लोग किस तरीके से उपभोग कर रहे हैं। एक निवेश करता क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है, निवेश करता है। और सरकार के द्वारा किया गया खर्चा, और अपन बाहर से भी चीजें मंगवाते हैं और अपन खुद बेचते हैं, तो उस चीज को आप इंक्लूड करते हो कि वहां से आपको कितना खर्चा निकल के आता है। मैम ने आपको बताया कि देखो कैसे जीडीपी का मेथड निकाला। पहली बात तो एक चीज आप कंफर्म कर लीजिए कि जब भी जीडीपी ऐसे मार्केट प्राइस लिखा है या फिर जीडीपी फ्रीली लिखा है तो आप मानेंगे कि वो मार्केट प्राइस पर है, पहली बात। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत के अंतर्गत ये जो विधि है ये एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत आता है। वाई बराबर सी प्लस एस वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, जेएम कीन्स वाला मैंने बता रखा है, अगर आपको याद हो। ध्यान से सुनो, भारत में जो राष्ट्रीय आय के मेजरमेंट करने के तरीके वो मूलतः तीन है। कौन कौन से? पहला है आपका प्रोडक्शन मेथड, ठीक है बच्चा। दूसरा है आपका कंजम्पशन मेथड, दूसरा है आपका इनकम मेथड, तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। और ये जो मैम ने आपको बताया ये उसमें का एक्सपेंडिचर मेथड मैम ने बताया। अब इसके बाद आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये राष्ट्रीय आय को मेजर करने की बात करें, मैम आपको जीवीए का कैसे मेथड है उसके बारे में बताएंगे, फिर मैं उसके कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे जीडीपी एमपी की जो बात हो रही है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जीडीपी एमपी की बात जब करते हैं कि अपन किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं चीजें। आप मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदते हो, इसका मतलब ये है कि आपने खरीदा है, मतलब टैक्स भी पे किया है। किसी भी पैकेट को खरीदते हो आप मार्केट में जाकर, चॉकलेट बिस्किट जो भी बात आप करना चाहते हो, वहां पे चीजें इंक्लूड होती है। इंक्लूड्स व्हाट? यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। क्या बात कर रही हूँ मैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रही हूँ। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो भी समझ लें कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज की बात करते हैं, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है जीडीपी एट एमपी में। लेकिन जैसे कि सर ने बोला कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि जीवीए क्या होता है वो बताना है कि किस तरीके से डिफरेंस देखने के लिए मिलता है जीवीए की। जैसे ही अपन जीवीए की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी जो आपका निकल के आया है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आपको हटाना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात जो करते हो उसको आप हटा के बात करेंगे। सर आप समझाइए इसको। देखिए मैम, मैं बताता हूँ बच्चों को। देखिए बच्चा, आपको जीवीए का एक सूत्र है जो बहुत फेमस सूत्र है, आप सभी को पता भी होगा। देख लीजिए क्या है जीवीए का सूत्र, ये है जो मैम ने अभी आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जीडीपी जब स्वतंत्र रूप से लिखा है, फ्रीली लिखा है, तो आप उसे मार्केट प्राइस मानोगे। यहां लिखूं या ना लिखूं आप ऑटो अंडरस्टैंड करेंगे। पहली चीज, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये क्या है आपका जीवीए का सूत्र है, ठीक है बच्चा। एक्चुअली जीवीए जो है, जीवीए प्रोड्यूसर्स की बात करता है मैम, और जीडीपी जो होता है वो जो उपभोग करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, अगर जल्दी से मैं बता पाऊं देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लो गेहूं है, आटा है, बिस्किट है। अब इसमें जो मनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देखिएगा, मान लीजिए गेहूं का मूल्य 2000 है,
गेहूं का मूल्य 2000 है, आटे का मूल्य मान लीजिए 2500 रुपया है, और बिस्किट 1000 पैकेट बन रहा है 5 रुपए के हिसाब से, तो 5000 रुपया एक क्विंटल आटे गेहूं से क्या बन रहा है, आपका बिस्किट बन रहा है। अब देखिए बच्चा, यहां से यहां के बीच में 500 रुपए का ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां से यहां के बीच में 2500 रुपए का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर जीडीपी निकाला जाता था तो जीडीपी जो हम कंजम्पशन करते थे यानी उपभोक्ता के माध्यम से बताया जाता था, ठीक है, तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है ये जीडीपी को दर्शाता था डायरेक्ट, जिस वस्तु को अंतिम वस्तु का उपभोग। और यहां पर क्या है, अगर वैल्यू एडिशन की बात करें तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये जो वैल्यू एडिशन है यही ग्रॉस वैल्यू एडेड को दर्शाता है। मैम इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं बात कर रही हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे लगेंगे। ये जो सर ने आपको वैल्यू एडिशन बताया है ये यहाँ पे टैक्सेस लगते हुए आपको नजर आएंगे, और जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वहां पे आपको 5000 इंक्लूड होके आएगा। जीडीपी की बात की ना आपने, तो यहाँ पे मैंने सी प्लस आई प्लस जी लिखा था, तो ये सी में इंक्लूड होगा ये 5000। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एज अ होल बता देती हूँ, ठीक है, फिर आपको सर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जीडीपी की, जैसे कि सर ने अभी क्या बोला, जैसे ही आप जीडीपी का सोचते हैं तो आपको ये समझना है कि एक उपभोक्ता ने क्या पेमेंट किया है, मार्केट में जाके एक उपभोक्ता ने क्या पेमेंट किया है। और जीवीए की बात करते हैं तो एक उत्पादक के बारे में सोचना है कि वो क्या शो कर रहा है, ठीक है, कि कितना अमाउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। बस आपको इतना ध्यान, आप मार्केट में जा रहे हो तो ये फेस कर रहे हो, और जीवीए की बात उत्पादन मतलब एक उत्पादक क्या फेस कर रहा है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, एक ही अंतर है, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जस्ट ठीक है, देखो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके और इसको और प्रोलिफरेट करेंगे, इसको इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि जीवीए ज्यादा बेहतर है कि जीडीपी ज्यादा बेहतर है। इन दोनों ही चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों मिलकर के आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, और एक बेहतर कमेंट की हमेशा आशा रहती है। थैंक यू।